कल है छब्बीस तारीख़ और कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव की श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है उसी के लिए मिठाई बनानी है तो यहाँ पर मैंने अपना सामान ले लिया है जो मुझे बनाना है नारियल है और ये कद्दूकस ले लिया है और कद्दूकस देखिए मेरे पास ना काफ़ी दिन पुराना है और ये मुझे परफेक्ट लगता है इससे मैं बहुत ही अच्छे से ए, चीज़ों को कस लेती हूँ लौकी वगैरह जैसा आ, मुझे नारियल कसना होता है तो देखिए यहाँ पर मैंने है ना डेढ़ नारियल से ऊपर था जो मैंने कसा है और सच में नारियल कसने का काम है ना बहुत बड़ा होता है बहुत हार्ड होता है तो बस सारा काम करके तब मैंने ये काम अपना शुरू किया था मिठाई बनाने का अब इसमें है ना मैं दो तीन तरह की मिठाई बनाऊँगी कुछ जितनी आज बन जाएगी और कल व्रत रहेगा तो थोड़ी बहुत कल बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे नारियल कहा था अब मैं इस नारियल को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी एक साथ तो सारा नहीं पीसेगा तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके छोटे वाले जार में पीस लूँगी और पीसने के बाद है ना बहुत ही अच्छा बन गया था ये परफेक्ट और मुझे है ना दरदरा नहीं थोड़ा सा बारीक करके ही पीसूंगी क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे इस मिठाई को तो जिससे वो अच्छी तरह से खा लें क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में थोड़ा सा भी वैसे आ जाए ना टुकड़ा तो वो नहीं खाते तो इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक करके पीस लूँगी और पीसने के बाद अपना आगे का प्रोसेस जारी रखूँगी तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पीसा है ना तो नारियल बहुत ही अच्छा निकला था इसमें से जैसा नीचे है ना घी सा जम जाता है तो वही मैं दिखा रही थी देखे नीचे इसमें जैसा हमने पीसा तो नीचे घी की एक परस्सी जम गई थी तो इसका मतलब है कि नारियल हमारा बहुत अच्छा था और इसको है ना मैं लड्डू बांध के देख रही थी तो इसमें से है ना ऐसे भी इसके लड्डू थोड़ा सा मीठा मिलाने में बन जाते लेकिन मुझे है ना इसकी पहले बर्फी बनानी है और ये है बुरा ये मैं आज ही लेकर आई थी एक किलो बूरा है इसमें मैं है ना मिठाई में बुरे का ही यूज़ करूँगी तो सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई को रख लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है और ये काम है ना मैं अपना दोपहर का लंच बनाने के बाद जब सब रेस्ट करते हैं तब बनाना शुरू किया है क्योंकि ये टाइम पर परफेक्ट होता है और मेरी बेटी को है ना बहुत शौक होता है ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाने का त्यौहारों पर आ, मेरे साथ लग जाती है तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें घी डाल दिया और बादाम रोस्ट कर लूँगी कुछ इसको डेकोरेशन के रखूँगी जो मिठाई पर रख लगाऊँगी और कुछ को मैं इसमें पीस कर जो नारियल का बुरादा था उसी में मिक्स कर लूँगी ज़्यादा नहीं भुने होते हैं नहीं तो ये फिर इनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है कड़वे लगते हैं तो थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी अगर थोड़ा सा भी ये कड़वा लगे ना तो मिठाई का टेस्ट अलग हो जाता है तो यहाँ पर उसी घी में फिर मैंने बुरादा जो नारियल का बुरादा मैंने पीस कर रखा था वो इसमें डाल दिया है और इसकी क्वांटिटी मैंने हाफ रखी थी ट्राई करके देखते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी अभी राखी की भी मिठाइयाँ थी और ये तो हम भगवान जी के उनका जन्मोत्सव है तो उसी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे ज़्यादा दिन की चीज़ें बच्चे खाते भी नहीं हैं तो देखिए यहाँ पर फिर मैंने है ना इसमें एक छोटी जो ग्लासी होती है बच्चों की आ, उसको मैंने इसमें दूध मिक्स किया है और ये फुल फैट मिल्क था जो मैंने इसमें डाला है और इसको लगातार चलाते रहेंगे इतना चलाएंगे जब तक है ना ये हमारा दूध है ना इसमें सूख ना जाए वही है मावे का टेस्ट आता है जब इसमें दूध मिक्स कर लेते हैं आप इसको है ना ज़्यादा भी डाल सकते हैं और यहाँ पे फिर मैं बुरे का मेज़र कर रही थी मेज़र तो मैं तो ऐसे ही अंदाजा करके डाल देती हूँ लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि नहीं मेज़र करके कर डालेंगे और वो ही लगी हुई थी यहाँ पर जो मुझे इसमें बुरा मिला ला है ज़्यादा मीठा नहीं रखूँगी थोड़ा सा बुरा है ना कमी डालूँगी और देखिए यहाँ पर है ना ये मेरा बैटर बन गया है और फिर मैं इसको है ना पंखे के नीचे रख लिया थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और क्योंकि एकदम से अगर हम इसमें बुरा मिलाएंगे तो वो पानी छोड़ देगा अगर गर्म में मिलाएंगे तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें बुरा डाल दिया है और हाँ जो मैंने नारियल वो सॉरी बादाम जो रोस्ट किए थे वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए और थोड़ा सा बूरा मिलाने के बाद इसमें मैंने मिलाया है कंडेंस मिल्क तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये चीज़ें जब मैंने मिलाई है जब मेरा ये बैटर है ना थोड़ा ठंडा हो गया था उसके बाद मिलाया है नहीं तो ये है ना बिल्कुल भी नहीं जमती मेरी मिठाई तो इसको मैं प्रॉपर मिक्स करती रही अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से चलाया देखिए इस तरह से ये मेल्ट हो गई थी इसमें बूरा और जो मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला था वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और उसके बाद मैंने एक बर्तन में थाली प्रात जितना भी आपका ये बैटर हो उसी के हिसाब से बर्तन ले लीजिए और इसमें मैंने अच्छे से घी मिला लगा दिया था घी इसलिए लगाया ताकि जब मैं बर्फ़ी जमाऊंगी वो मेरी है ना अच्छे से इसमें से निकल जाए खूब अच्छे से मैंने इसमें घी डाल दिया था और इसका जो कलर है ना मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था तो उसने क्या किया है इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया इसके इससे है ना मिठाई का कलर चेंज हो गया और देखने में भी अच्छी लग रही थी अब इसमें नारियल था तो छिलका भी इसी में मैंने पीस दिया था तो उससे थोड़ा सा कलर लगता है तो इसमें मैं थोड़ा सा मैंने फ़ूड कलर डाल दिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस बर्तन में मैंने इसमें इसे घी लगाया था उसी में डाल दूंगी और डालने के बाद इसको है ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के जमने का इंतज़ार करेंगे अच्छे से सेट हो से जाएगी ये तो इसमें मैंने जो फूड कलर मिलाया था वो थोड़ा कम ही मात्रा में मिलाया बस थोड़ा सा इसका है ना कलर चेंज हो जाए बच्चे को देखने में बच्चों को अच्छा लगे और वो उसको एंजॉय करे खाए तो ये मेरी पहली मिठाई बनकर तैयार हो गई है अब मैं इसको जमने के लिए उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है ज़्यादा मोटी मोटी नहीं रखूँगी थोड़ा सा पतली ही रखूँगी छोटे छोटे पीस इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा मन करे इसमें काट देंगे और इसके ऊपर जो मैंने रोस्ट करके बादाम रखे हुए हुए थे वो भी इस पर लगा देंगे आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं अब मुझे ज़्यादा जो मेरे पास था जो मैं लेके आई थी ज़्यादा कुछ नहीं वही चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है और बस इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ अभी बैटर थोड़ा सा पतला था आ, लेकिन थोड़ी देर के लिए पंखे में ही रेस्ट करने के लिए रखूँगी पंखे में है ना थोड़ा सा जल्दी ये ठंडा हो जाएगा बैटर तो इसके फिर पीस काट के दूसरे बर्तन में रख लेंगे तो ये हमारी मिठाई लगभग बनकर तैयार हो गई है यहाँ पर है ना अच्छे से इसमें बादाम लगा दिए थे आप कुछ भी लगा सकते हो नारियल पिस्ता खरबूजे के बीज जाते हैं उसको भी बहुत से चांदी का वर्क लगाते हैं लेकिन मैंने सिर्फ इसको बादाम से ही डेकोरेट किया है और मेरी ये मिठाई बन गई है मैं पीस काट कर जब इसको पीस काट के आपको दिखाऊंगी अब आप बन बनाते हैं दूसरी मिठाई जो मुझे बनानी है और यहाँ पर देखिए मैंने जो मेरा आधा जो नारियल का बुरादा था वो रखा हुआ था और मुझे है ना इसमें इलायची पाउडर मिलाना था तो इलायची पाउडर मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी चीनी और इलायची जो हरी वाली इलायची होती है वो मिक्सी में अच्छे से पीस ली थी अब क्योंकि अगर इलायची इलायची पीसते तो वो उसमें नहीं पीसती तो उसमें थोड़ी सी मैंने चीनी डालकर पीस ली और इस सच में इसकी खुशबू है ना लाजवाब थी अब इसमें मैंने थोड़ा सा बूरा और कंडेंस मिल्क मिला दिया है इतना मिलाया है इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाया क्योंकि अगर ये बैटर पतला जाता तो हमारे लड्डू है ना परफेक्ट नहीं बनते तो थोड़ा सा मिला के देखा जब मुझे है ना ये थोड़ा सा बैटर सूखा लगा तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया और इन सारे काम को कराने के लिए आराध्या साथ थी और साथ ही साथ हमने ये लड्डू बनाए कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे अलग अलग शेप में और बर्तन इतना बड़ा ले लिया तो ये इसके लड्डू हमने बना दिए और इसमें जो इलायची पाउडर डाला हुआ था उसकी खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आ रही थी तो इसी तरह से फिर हमने ये सारे ही लड्डू एक एक करके बना दिए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने बर्फ़ी भी अपनी काट कर रख ली थी कितनी बढ़िया परफेक्ट बर्फ़ी बन के तैयार हुई है तो इस जन्मोत्सव पर कृष्ण जन्मोत्सव पर हमने ये दोनों मिठाई बनाई अभी जो जुलाई के लड्डू होते हैं वो लाने हैं वो मैं मार्केट से ले आऊँगी और एक दो मिठाई और ट्राई करूँगी वो भी आपके साथ